हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल पूनम असवाल क्लासेस। सो टुडेज इन दिस वीडियो वी आर डिस्कसिंग द क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट टू द शहनाई ऑफ बिस्मिल्ला खान। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ द पोंगी, यानी औरंगजेब ने पोंगी को बजाने से मना क्यों कर दिया था, बैन क्यों कर दिया था। तो आंसर इज एम्परर औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पोंगी इन द रॉयल रेजिडेंस फॉर इट हैज अ श्रील अनप्लेजेंट साउंड। एम्परर औरंगजेब ने बैन कर दिया था पोंगी को बजाने में, ये जो कि एक इंस्ट्रूमेंट था जो कि रॉयल रेजिडेंस में बजाया जाता था, वो इसलिए क्योंकि उसकी जो आवाज़ थी वो बहुत ही अनप्लेजेंट थी, तीखी ही आवाज़ थी, किसकी, पोंगी की। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज हाउ इज़ शहनाई डिफरेंट फ्रॉम पोंगी, शहनाई डिफरेंट कैसे थी पोंगी से। आंसर इज शहनाई इज़ अ पाइप विद अ नेचुरल हॉलो, इट इज़ अ लॉन्गर एंड ब्रॉडर दैन द पोंगी, इट हैज़ 7 होल्स ऑन इट्स बॉडी। जो शहनाई थी वो एक पाइप की शेप में था और उसमें एक नेचुरल ही छेद थे और वो बहुत लंबी हुआ करती है, जैसे किसकी अपेक्षा, पोंगी की अपेक्षा, और उसमें 7 होल्स हुआ करते, तो ये डिफरेंट थी किससे, पोंगी से। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज वेयर वॉज द शहनाई प्लेड ट्रेडिशनली, हाउ डिड बिस्मिल्ला खान चेंज दिस, यानी शहनाई को ट्रेडिशनली कहाँ बजाया जाता था और बिस्मिल्ला खान उसमें कैसे चेंजेस लाते हैं। आंसर इज ट्रेडिशनली शहनाई वॉज प्लेड इन द टेम्पल्स एंड एट वेडिंग बिकॉज इट इज़ कंसिडर्ड ऑस्पिशियस, यानी ट्रेडिशनली शहनाई को मंदिरों में और शादियों में बजाया जाता था। हाँ, किसको, शहनाई को, क्यों, क्योंकि उसको भविष्य में सफल होने की संभावना थी, किसकी ही, शहनाई की। बिस्मिल्ला खान प्रोड्यूस अ न्यू राग दैट वाज थॉट टू बी अ बियॉन्ड द शहनाई स्कोप, ही रेज इट प्लेइंग टू क्लासिकल लेवल। और बिस्मिल्ला खान ने नए नए राग प्रोड्यूस किए और उनका विचार था कि शहनाई में बहुत ज़्यादा स्कोप मिलेगा, हाँ, और ये एक क्लासिकल लेवल में बजाया जाएगा, क्या, शहनाई। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज व्हेन एंड हाउ डिड बिस्मिल्ला खान गेट हिज बिग ब्रेक, यानी कैसे और बिस्मिल्ला खान को फर्स्ट बिग ब्रेक मिला। आंसर इज बिस्मिल्ला खान गॉट हिज फर्स्ट बिग ब्रेक इन 1938। बिस्मिल्ला खान को सबसे पहला जो ब्रेक मिला था वो मिला था 1938 में, ऑल इंडिया रेडियो वॉज ओपनड इन लखनऊ, जब लखनऊ में ऑल इंडिया खुला था रेडियो का, हाँ, तब उन्हें मिला था। ही गॉट अ चांस टू प्ले शहनाई ऑन रेडियो, और वहाँ पे उनको चांस मिला था शहनाई बजाने का उस रेडियो में। हिज मेलोडियस म्यूज़िक कुड बी फ्रीक्वेंटली हेयर्ड ऑन दी रेडियो, और उनकी जो आवाज़ जो शहनाई से बजाते थे वो इतनी मधुर थी कि रेडियो में लोग वो आराम से उसको सुनते थे। नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव इज वेयर डिड बिस्मिल्ला खान प्ले द शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947, वाई वॉज द इवेंट हिस्टोरिक, बिस्मिल्ला खान ने कहाँ पे 15 अगस्त 1947 को शहनाई बजाई थी और वो वाई वॉज और वो क्यों हिस्टोरिक हो गया था वो इवेंट। आंसर इज इंडिया गेन इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, हिंदुस्तान को आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को, जो कि एक हैप्पी और हिस्टोरिक ओकेशन है हम लोगों के लिए, हिंदुस्तानियों के लिए। बिस्मिल्ला खान बिकेम द फर्स्ट इंडिया टू ग्रेट नेशन विद हिज शहनाई, बिस्मिल्ला खान वो पहले इंसान थे जिन्होंने पहली बार क्या बजाया, हाँ, अपने देश के लिए शहनाई बजाई थी 15 अगस्त 1947 को। ही पोर हिज हार्ड इन टू राग काफ़ी फ्रॉम दी रेड फॉर टू एन ऑडियंस, और कहाँ, किनके सामने बजाई थी, ऑडियंस के सामने बजाई थी, क्या बजाया था, राग काफ़ी बजाया था, और कहाँ पे बजाया था, रेड फोर्ट में बजाया था। नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स इज व्हाई डिड बिस्मिल्ला खान रिफ्यूज़ टू स्टार्ट अ शहनाई स्कूल इन द यूएसए, यानी बिस्मिल्ला खान ने शहनाई ही स्कूल में जो कि यूएसए में था वहाँ पे शहनाई बजाने से मना क्यों कर दिया था। आंसर इज बिस्मिल्ला लव्ड बनारस द गंगा, ही कुड नेवर थिंक ऑफ लिविंग अवे फ्रॉम द गंगा, दैट्स इज व्हाई ही रिफ्यूज टू स्टार्ट अ शहनाई स्कूल इन द यूएसए। बिस्मिल्ला खान को बनारस बहुत पसंद था जो कि गंगा नदी के किनारे था और वो गंगा नदी को छोड़ के नहीं जाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने यूएसए में मना कर दिया था, क्या बजाने के लिए, शहनाई बजाने के लिए। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज सेवेंथ, फाइंड एटलीस्ट टू इंस्टेंस इन द टेक्स्ट
विच टेल यू दैट बिस्मिल्ला खान लव्स इंडिया एंड बनारस। ऐसी दो चीज़ बतानी है जिससे हमें यह पता चले कि बिस्मिल्ला खान इंडिया और बनारस को बहुत पसंद करते हैं। आंसर इज़ द फर्स्ट इंस्टेंस इज़ वैन ही टर्न डाउन हिज स्टूडेंट ऑफर टू स्टार्ट अ शहनाई इन द यूएसए। पहली बार जब उनके स्टूडेंट ने उनको यूएसए में शहनाई बजाने का ऑफ़र दिया था तो उन्होंने उसको रिफ्यूज़ कर दिया था, मना कर दिया था। हाँ, इससे पता चलता है कि वो अपने देश को और बनारस को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। दूसरा चांस क्या था? द सेकेंड इंस्टेंस इन वैन खान साहब वॉज आस्क्ड बाय शेखर गुप्ता अबाउट मूविंग टू पाकिस्तान ड्यूरिंग द पार्टीशन, ही सेड दैट ही वुड नेवर लीव बनारस। और दूसरी बार हमें तब पता चलता है कि वो हिंदुस्तान और बनारस को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो तब उनको बोला गया था कि क्या आप पाकिस्तान को जाएंगे, बट उन्होंने मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि उनको बनारस से बहुत ज़्यादा प्यार था। थैंकिंग यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो डू हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो फॉर योर फ्रेंड्स, एंड फॉर मोर सच अ लेसन प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल पूनम असवाल क्लासेस। थैंक यू।